जयकारा गुड़गा मेवाड़ी माता का बोल सच्ची दरबार की। जयकारा गुड़गा मेवाड़ी माता का बोल सच्ची दरबार की। बोलो हाँ भाई, देखो ये बच्ची दरबार में वाईफाई लगवा रही है। माँ भगवती ने इस बच्चे नापे, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और इस दरबार से माँ ने उस बच्चे को ठीक करा और टाइम दिया था डॉक्टर ने उसके दिमाग की दोबारा सर्जरी करने के लिए, है ना भाई। और उस कारण में माँ भगवती ने सर्जरी भी नहीं करवाई और चमत्कार कर दिया। आज वो बच्चे नहा के दरबार में बैठे, देखा ना तुमने, तुम्हारे पीछे बैठे तो बेल्ट लगा के, और वो दरबार में वाई फाई लगवा रहे। अब तो रोज लाइफ इसीलिए दरबार। जैसे माँ इस बच्चे के काम बनाए, ऐसे सभी बच्चों के काम बनाए। नंदन के भंडार मम्मी आपने जो बाइक छुड़वाई थी। हाँ ठीक है, चल रही तेरी जोत बेटा, 41 दिन तक के अंदर तेरे को काम की बोली तो जोत की बंद करे, तो जोत चलने दे तेरे घर पे, पिता देख ले तुझे तेल लाई आज। फिर बिना तेल के क्यों आई, सबको तेल मंगाया जा रहा है। ये तो नए साल का तेल आता है, भगवती पूछा नहीं देगी तो फिर क्या फायदा, पूछा तो वो देती है ना। जब उसको तेल नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ से पूछा, शनिवार को सोचनी चाहिए थी, तेल बिना पूछा नहीं होता, चल शनिवार। बेटे तुम्हें घबराहट हो रही है, जब ये आई थी यहाँ बाहर रोड पे, जब इसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। बेटा पीछे हो जाओ तुम लोग, भाई सिर धो के आए हो। हाँ जी, तो बाबू एक एक को खिलाया जाए। एक से कराया दो तो भगत जी से करवा देते, एक करवा देते मौलवी का, चौथा यहाँ। हाँ मुसलमान जो अगरबत्तियों से उपाय करते हैं। हांडी वांडी भी भरवाई थी क्या इसके ऊपर से? नहीं वो तो नहीं, ऐसा नहीं करवा था। हाँ हांडी हाँ। हाँ की करवाई थी हाँ। जो भगवती थी घर बेटा वही पूछा जा रहा मामा। हाँ। चल भाई भजन लगाओ, देखते हैं हम बाहर चले जाएंगे होता भाई। और पूछो ये बैठे जिन जिन के गोले उतरे हैं वो सब जानते हैं कैसे ऐसे गोले उतरते हैं। और इतना कोई माई का लाल नहीं है भाई जो माई को ऐसे बोल देंगे कि हम नहीं जा वो करेंगे। माँ से तो बड़े कोई है नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं कि तुम मजबूरी में वहां ना जाओ। ऐसा कब है उसके पेपर भी आ रहे, स्कूल चले जाओ। स्कूल भी नहीं जा रही पा रही, स्कूल भी नहीं जा रही। मेरे को तो 3 साल हो गए स्कूल के सगा देखे हुए भी। अच्छा तेरे गले में ठीक है बाबू, इस बच्ची को आएगी। अभी 2-3 दिन पहले मेरे बेटे ने बात भी कर दी आपसे मैसेज पर, निखिल मेरे से। हाँ जी 4-5 दिन पहले मैसे वो लाइव निखिल निखिल ने बाबू इतनी याद नहीं है क्योंकि मेरे पास लाइव में बहुत बच्चे जुड़ते हैं। अच्छा आप लाइव देख रहे थे क्या? लाइव देख रहे थे। अच्छा बात भी कर दिया बाबू, मम्मी जानती। अच्छा गोले के आप ही पूछ रहे थे क्या? हाँ गोले की क्या भाई, गोले वोले उतरवाने हमें, कब दरबार है, कब दरबार? अच्छा आपने बोला था कि पहले दरबार में आओ। बाबू नाम बता दो, कैसे बताऊंगे? इसका नाम निकिता जी। तुम्हारा नाम? अंजलि। अंजलि और निकिता। बाबू ये धागा अपने गले में डाल ले और ये धागा अपने गले में डाल लो भी, और ना से ले जाओ भगूती 2 पैकेट, ठीक है? एक इस बच्ची को दे दो, एक बच्ची को। बाबू तुम्हें अभी तो जाते हुए लगा लेना और घर जाके भी इन्हों ही लगा के खानी है, खानी भी है तुम्हें और लगानी भी है, ठीक है भाई? और बाहर की चीजें बंद कर देना जब तक शनिवार नहीं आता, ठीक है? किसी के घर का नहीं खाना है और किसी से अपनी कुछ चीजें भी शेयर मत करना, ठीक है बाबू? आप लोग दिखाई दे रही तो फिर तो उसके दर्शन करके आओ। माँ बिना पूछे कैसे चले जाए? नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं, मत्था टेक के आ जाओ। मामा छोटे छोटे शेर भी बच्चे भी दिखते हैं, शेर अच्छे होते हैं। इधर 2 पोती है ना? हाँ जी। उसके पोता नहीं है ना? बहुत अच्छे थे मार, अच्छी बात है देखना। और माँ क्या बोलते हैं, तबीयत बहुत खराब है, तबीयत खराब है
चक्कर भी है। नाम बता। पिंकी। बाकी सब ठीक चल रहा है? मम्मा बस तबीयत ही मेरी खराब है यार। बाकी माइक की पसंद ठीक है? माँ बस सपने भी बुरे बुरे दिखते हैं। अच्छा। बहू को भी दिखते हैं, मेरे को भी दिखते हैं। बाबू भगवती बता रही है कि तू किसी शादी वर्ती में से तैयार होकर कहीं गई थी क्या? चुराए पे से कहीं गई थी क्या? माँ शादी में तो अभी गई थी। भगवती बता रही कुछ चुराए पे पैर आया थे। ये पूरा शरीर दुखना, ये चीज पूरी कमर की चीजें फटनी और ये चीज तो मैंने सुबह बाबू इसका एक तो वो करवाओ पीर का काम शरीर का, ठीक है? और सूद लगवाओ, ठीक है? आगे सुन मेरी बात। जय कारा गुड़गा में वाली माता का बोल सच्ची दरबार की।